आज की रीडिंग थोड़ी सी हटके और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है कि इस वक्त राइट नाउ जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तब आपको कौन स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पे। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है ये। आइए शुरू करते हैं। आज आपको क्या करना है, अपना ही नाम लेना है, अपनी एनर्जीज पे कंसंट्रेट कीजिए ताकि आपकी एनर्जीज को मैं कनेक्ट कर पाऊँ। आइए शुरू करते हैं। कार्ड्स हमें बताइए कौन स्टॉक कर मेरे व्यूअर्स को सोशल मीडिया पे। कार्ड्स हमें बताइए कौन स्टॉक कर रहा है। कार्ड्स हमें बताइए कौन स्टॉक कर रहा है मेरे व्यूअर्स को सोशल मीडिया पे। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं। जजमेंट का कार्ड, द फूल का कार्ड, द टावर, टू ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ सोर्ड्स हमारे पास आ गए हैं। उसके बाद है द मून कार्ड। ये देखिए, ये है आपका स्प्रेड। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आएंगी। ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है, टाइमलेस और जेंडरलेस होने वाली है। प्लीज़ ध्यान दीजिएगा और अपना नाम लेते रहिएगा थ्रू आउट द रीडिंग ताकि मैं आपकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर पाऊँ। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन था कि कौन स्टॉक कर रहा है आपको सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पे बहुत सारी बातें निकल के आती है। सबसे पहले मैं आपको खुलासा कर देती हूँ कि ये पर्सन है कौन। देखिए, यहाँ पे आया है द टावर का कार्ड। तो बेसिकली ये पर्सन वो है जिनसे आप सेपरेशन में हैं, या फिर हो सकता है कि आपसे इनकी कोई फ्रेंडशिप रही हो। मतलब बेसिकली वो कोई भी इंसान है जिनसे अभी आपका कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, आप दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, सेपरेशन में है, दूरियां आ गई है, मन मुटाव चल रहा है, जिसकी वजह से आप दोनों के लाइफ में पास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई और उसकी वजह से आप दोनों के दोनों आज बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट आप दोनों के बीच में नहीं है। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है मेल हो सकती हैं, हो सकता है फीमेल हो सकते हैं, लेकिन ये जो पर्सन है आपको खुशी से नहीं, बहुत उदासी के साथ स्टॉक कर रहे हैं। मतलब इनके दिल में कुछ ऐसा है, बेसिकली वो आपके बारे में ना हालांकि पता लगाना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, किसके साथ हैं, कहाँ जाते हैं, और आपके अंदर बीते हुए कुछ सालों में क्या क्या चेंज आया है, क्या क्या चीज़ें हैं आपके बीच में जो बदली हैं और नई आई हैं। ये जो पर्सन है ना, आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टॉक करते हैं। इनफैक्ट अगर हो सकता है कि आपके अकाउंट में कोई एक्टिविटी ना हो, कहीं पे भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे बेसिकली, हो सकता है कि व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, हो सकता है फेसबुक, हो सकता है इंस्टाग्राम, ट्विटर, कहीं पे भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी हो सकता है कि आप कोई डिजिटल क्रिएटर हो, अगर आपका कोई यूट्यूब चैनल हो या फिर कुछ हो, ऐसा भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपकी कोई वेबसाइट हो, वहाँ पे ही भी जाके ये चेक करते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपके दिमाग में और आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका करियर अभी बहुत ज़्यादा एक्टिक हो, और हो सकता है कि आप अभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हो, या फिर हो सकता है आप खुद पे ध्यान दे रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है खुद के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की, फोकस की और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, इसीलिए आप चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करें। फैमिली और फाइनेंसेस भी हो सकता है, फैमिली और लव लाइफ भी हो सकता है। हो सकता है कि ऑफिस में काम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हो, टाइम मैनेजमेंट कर रहे हो। ये जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा फुल एनर्जी में थे इनिशियली, मैं देख रही हूँ उनकी लाइफ में। हो सकता है कि आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर कोई भी फ्रेंड या कोई भी ऐसा जिनसे आप कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के केसेस मैं देख रही हूँ यहाँ पे लव लाइफ से रिलेटेड है। द फूल कार्ड के आने का मतलब है ये पर्सन शुरुआत में आपसे सेपरेशन के बाद ये बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहे थे। इनफैक्ट उनको कहीं ना कहीं यकीन था कि उनका डिसीजन बहुत सही है और वो सही दिशा में जा रहे थे, बिल्कुल लाइफ जो है रिस्क फ्री जी रहे थे कि आगे क्या होगा वो आगे की देखी जाएगी, जब वो चीज़ आएगी तब उसके बारे में सोचेंगे, उससे पहले सोच के अपना दिमाग ख़राब नहीं करेंगे। इस एनर्जी के साथ इन पर्सन ने बहुत ज़्यादा गलतियाँ की हैं लाइफ में, क्योंकि जो इनका बेफिक्र एटीट्यूड है ना, संभल के ना चलना, इस वजह से ये बहुत बार गड्ढे में गिरे हैं, बहुत बार खाई में गिरे हैं। बहुत बार ऐसा हो सकता है कि इनके
पास ऐसे लोग आ गए हों, ऐसे लोग पहुंच गए हों जिन्होंने इनका बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, और कहीं ना कहीं उनमें से एक आप भी थे जहाँ पे वो आपके साथ थे लेकिन आपको वो परख नहीं पाए, आपकी जो कीमत है, आपकी जो अहमियत है उसको समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से उन्होंने बोला ठीक है लोग तो आते जाते रहते हैं तो ये भी उनमें से एक है, तो उन्होंने आपको जाने दिया, आपके बीच में जो भी मनमुटाव था उसे सॉल्व करने की कोशिश नहीं की, तो फिर इस वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आती गई बढ़ती गई। लेकिन अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में है क्योंकि हमने देख लिया मून का कार्ड। एक चीज़ और बताती हूँ, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे आ गया है, हो सकता है एस ऑफ सोर्ड्स बता देती हूँ पहले, हो सकता है कि आप दोनों की ना जब बात बंद हुई हो तो बहुत तगड़ी लड़ाई हो सकता है फ्रेंड के साथ, हो सकता है लव इंटरेस्ट या कोई भी ऐसा पर्सन जिससे आप सोशल मीडिया पर ही मिले थे, बहुत तगड़ी लड़ाई हुई थी और जिसके बाद आप दोनों की बात बंद हो गई बेसिकली। फिर भी अगर देखा जाए, अगर वैसे देखा जाए तो उसमें गलती आपकी नहीं थी, गलती सामने वाले की थी। जजमेंट का कार्ड के आने का मतलब है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा जज करते हैं, मतलब आप क्या पहनते हैं, क्या करते हैं। मैं बताती हूँ कैसे, सपोज आप कहीं गए और आप पिक्चर डाल रहे हैं फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो ये हो सकता है ये पर्सन आपको टोंट मारते हो जब बात करते हो कि हाँ तुम तो उनके साथ चले गए, मुझे तुमने अकेला छोड़ दिया, तुम्हें मेरी तो कोई परवाह ही नहीं है, यहाँ पे मैं रो रहा हूँ या रो रही हूँ तुम्हें उससे क्या, लेकिन तुम वहाँ पे जाके मज़े कर रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, इन्जॉय कर रहे हो, बेसिकली अपनी लाइफ में तुम खुश हो, मेरी पूछता ही कौन है, इस टाइप की बातें वो बोलते थे। तो आज भी जब आपको स्टॉक करते हैं ना, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कर रहे हैं या तो करवा रहे हैं, ये तो पक्का है, ठीक है, चेक ज़रूर करते हैं, तो ये सोचते हैं ये पर्सन तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हैं, ये मेरे बिना बिल्कुल हैप्पी हैं, इनको किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और इनफैक्ट ये तो मज़े में हैं और ये तो भूल भी गए हैं शायद मेरे बारे में कि क्या था, ऐसा कोई पर्सन था या नहीं, लेकिन मैं आज भी इनके लिए स्टक हूँ, मुझे मूव ऑन करना मुश्किल हो रहा है, आज भी मैंने स्टॉक कर रहा हूँ या कर रही हूँ। रीडिंग जेंडरलेस है, आपसे जैसे रेजोनेट करे वैसे लीजिएगा। एक चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जैसे आप सोशल मीडिया में हैं, एक मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है, मिल रहा है कि आपके ना इनबॉक्स में या फिर आपको लोग बहुत ज़्यादा मैसेज भी करते हैं लेकिन आप ना बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं एक तरीके से, मतलब क्यों पता नहीं आपका बात करने का मन नहीं करता, या सोचते हैं क्यों बात करनी है बेकार में, फिर बात बढ़ेगी, फिर अटैचमेंट हो जाएगी, या फिर दोबारा से ऐसा मेरे साथ हो जाएगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, मेरा दिल टूट जाएगा। अभी भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस जिनसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। हो सकता है आप कभी कभी किसी से टाइम पास के लिए भी बात कर रहे हो, कभी मूड ख़राब है तो किसी से बात कर लेते हो, लेकिन बहुत सारे मैसेजेस हैं जो आज भी आपकी एक हाई का रिप्लाई कर रहे हैं, एक हाई के लिए मर रहे हैं, लेकिन आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं, आप उन पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिनसे आपका कॉन्टैक्ट नहीं है और आप उनसे मैसेज की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि लाखों लोग आपके इनबॉक्स में भी ऐसे हैं जो आपके एक सीन का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा है कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। तो ये ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी, मैंशन करना चाहूँगी कि प्लीज़ जितने भी ऑप्शंस हैं ना उन्हें ट्राई करने से डरिए मत, डर के मारे रिस्क लेने से मत डरिए, डर के मारे ऐसा नहीं कि आप रिस्क ही ना लें, रिस्क लीजिए, लेकिन पहले जो आपने सीखा है ना, जितनी चीज़ें आपको पता चली है वो जो आपके पास है ना जितने शील्ड की तरह, उसे यूज़ कीजिएगा सावधानी से, रेड फ्लैग्स को देखते हुए आगे की ओर बढ़िएगा, क्योंकि इस कार्ड का मतलब ही है कि आपको जो भी ऑप्शन चूज़ करना है बहुत सोच समझ के और वाइसली करना है, अच्छे से डिसीजन लेना है शांत मन से, आगे जो होगा वो डिवाइन पे छोड़ दीजिए, क्या पता इनमें से कोई आपका लाइफ पार्टनर बन जाए, मे बी, ठीक है, जो भी करिए सोच समझ के। एस ऑफ सोर्ड्स मतलब कि ऐसा बहुत बार होता है कि आप लोगों को छोड़ देते हैं या फिर कांटेक्ट नहीं होता, लेकिन लोग आपसे खुद बात करने आते हैं जब उनको रियलाइजेशन होता है, वैसे ही रियलाइजेशन इस स्टॉकर को भी हो रहा है। ये स्टॉकर समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या मुझे जाके अपोलोजाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि आप ना माफ़ भी बहुत जल्दी कर देते हैं, तो माफ़ करने के कारण आपके पर्सन के मन में ये चल रहा है कि मुझे भी जाके एक बार बात ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हर बार की तरह जैसे कि मैंने लाइफ में बिना सोचे समझे बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं, क्यों ना एक बार बिना सोचे समझे उनसे बात करने की सोचूं, हो सकता है कि वो मान जाए, क्योंकि बहुत बार वो माने हैं, मुझे माफ़ भी किया है, क्योंकि इतना टाइम हो गया, हो सकता है कि दिल की जो आग है या दोनों तरफ जो चिंगारी हो थोड़ी सी शांत हो गई हो, आपके पर्सन ऐसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्यों ना एक बार अप्रोच करके देखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मनाही तो कर देंगे लेकिन अप्रोच ना करना और रिस्क ना लेना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा बाद में, क्योंकि मन में हमेशा एक रिग्रेट रहेगा ना बहुत ज़्यादा कि
क्यों मैंने एक बार कोशिश भी नहीं की। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से, इन स्टॉकर की तरफ से थोड़े से मैसेजेस देखते हैं। स्टॉकर की तरफ से थोड़े से मैसेजेस हमें बताइए। ठीक है, स्टॉकर की तरफ से जो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं उनकी तरफ से मैसेज बताइए। नहीं बताना चाह रहे, थैंक यू। सुबह सुबह कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ें आ रही हैं। देखिए, यू मेक मी वेट, ओह माय गॉड, ऐसी फीलिंग्स, जान ले लेंगे उसकी। ये देखिए, किसी और के बारे में बात हो रही है, ये उनके बारे में बात हो रही है। हो सकता है आपके पर्सन जब पहले आप साथ में थे बोलते हैं इसने तुम्हारे पिक्चर पे कमेंट क्यों किया, इसने तुम्हारे पिक्चर पे लाइक क्यों किया। उनको बहुत गुस्सा आता था जब आपके लिए कोई कमेंट या लाइक करता था, वो बहुत जेलस हो जाते थे क्योंकि वो थोड़े पोजेसिव नेचर के थे। यू आर सो ब्यूटिफुल, आप बहुत सुंदर हैं, एडमायर बहुत करते हैं, आपके पिक्चर्स को खोल खोल के देखते हैं, स्क्रीनशॉट्स भी लेते हैं, रातें नहीं कटती मेरी। जब आपको स्टॉक करते हैं ना तब आपकी बहुत याद आती है, रात भर इस बारे में सोचने लग जाते हैं कि क्यों उसने कमेंट किया, इसके साथ इसका कुछ चल तो नहीं रहा, या फिर क्यों मेरे पर्सन से ये बात करें। हो सकता है इनबॉक्स में इनकी खूब बातें होती हो। तुम्हें खोने का डर है, उनको सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी कहीं आप किसी और के ना हो जाएं। ओ माय गॉड, किसी और की मत होना, मैंने देखा नहीं था मैसेज, बाय गॉड, किसी और के मत होना। ये सारी चीज़ें उनके मन में चल रही है। योर नेक इज़ सो हॉट, आपके प्यारे प्यारे मोमेंट्स भी याद आ रहे हैं। हो सकता है आपके पिक्चर्स को बहुत ज़्यादा जूम करके देखते हों क्योंकि आपकी याद उनको बहुत ज़्यादा आती है। वो मोमेंट्स, वो ये सोचते हैं कि एक टाइम पे हम दोनों साथ में थे, ये पर्सन मेरे साथ में थे, लेकिन अब देखिए क्या हो गया, अब हम दोनों के बीच में इतनी दूरियाँ आ गई है कि दूरियाँ मिटाएँ नहीं मिटती। अब मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ कि उनको अप्रोच कैसे किया जाए, जबकि एक टाइम पे वो मेरे साथ थे, मेरे बगल में थे, मेरी बाहों में थे, उनका हाथ मेरे हाथ में होता था। आई होप आपके साथ ही रीडिंग रेजोनेट कर रही होगी। प्लीज़ लाइक करके, कॉमेंट करके, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।